वाव खलील यार, तुम वो ग्रेनी आ रही है। नहीं आएगी यहाँ पे हमें नहीं मारेगी। खलील तुम आउट कैसे नहीं हो रहे यार, इतना मुश्किल गेम तुम ऐसे कैसे क्लियर कर रहे हो? खलील मेरा दोस्त, तुम अपने आप को प्रो गेमर कहते हो ना? मोटू प्रो गेमर कहता नहीं हो, प्रो गेमर मैं हूँ। अच्छा तुम प्रो गेमर हो, फिर एक काम करो ना, ग्रेनी 4 खेलो, उसमें ना ग्रेनी को ना किचन से आजाद करो और बिना आउट हुए ना ग्रेनी 4 को क्लियर करके दिखाओ, तो मैं मानूंगा कि तुम प्रो गेमर हो। बस मोटू इतनी सी बात? तो चलो दोस्तों आज के गेम में मोटू के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और यार ग्रेनी 4 खेलते हैं और ग्रेनी से बहुत ज्यादा पंगा लेंगे। और दोस्तों वीडियो देखने से पहले ना अभी हमारे चैनल आई एम खलील को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। खलील से पहले ग्रेनी आ जाए, निकलो यहाँ से प्लीज निकलो। निकल रहा हूँ। ये लो ग्रेनी का नाम लिया और ग्रेनी आ भी गई। ये ग्रेनी की बहन है यार, ये हमारे पीछे पड़ी हुई है और हमें जंगल में भागते भागते हम पहुंच जाते हैं लाइट हाउस में। खलील बातें छोड़ो ना, जल्दी लाइट हाउस में चले जाओ यार, ये पकड़ लेगी। जा रहा हूँ, ये लाइट हाउस के अंदर मैं एंटर हो गया हूँ। खलील तुम्हें पता है यहाँ पे भी एक सरप्राइज है? मुझे पता है यहाँ पे ग्रेनी भी है और ग्रैंडपा भी है। हाँ देखना तुम आउट हो गए ना, फिर बहुत मजा आएगा, देखना मैं बहुत ज्यादा हंसूंगा। अच्छा मोटू देखो ये तुम्हारा दोस्त आ रहा है, ये देखो तुम्हारा दोस्त आ रहा है मोटू, और ये आ गया। नहीं आया। नहीं, ये कौन था? नहीं, मुझे मत मारना। मोटू मजा आया? खलील के बच्चे तुम आउट हो गए, फिर देखना मैं कैसे हंसता हूँ, देखना बड़े आए प्रो गेमर। इस गेम को ना आज तुम क्लियर करके दिखाओ बिना आउट हुए। और हाँ यार, ग्रेनी को ना किचन से आजाद भी करना स्टार्ट में ही, ये वरना तुम आसानी से क्लियर करोगे और फिर कहोगे कि मैं प्रो गेमर हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे प्रो गेमर थोड़ी ना होता है। अच्छा सब करूंगा, देखना मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्टेड है और आज के गेम में ना मैं ग्रेनी को सबसे पहले आजाद करूंगा और बिना आउट हुए ना इस गेम को क्लियर करूंगा। वाह बड़े आए प्रो गेमर, करके दिखाना फिर। अच्छा ये पूरा घर देख लिया ना, अब हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है। वो देखो लाइट हाउस के ऊपर सारे चढ़े हुए हैं, डरपोक कहेंगे। वो डरपोक नहीं है, वो तुम्हारी भी बैंड बजाएंगे देखना। मेरी कैसे बैंड बजाएंगे, आज तो मैं खेल ही नहीं रहा, आज तो तुम खेल रहे हो ना। अच्छा अभी गेम स्टार्ट होने वाला है। तुम्हें सबसे पहले काम करना है वो ये है कि जाके ग्रेनी को आजाद करो किचन में, वो कैद है उसको आजाद करो। जब इसको आजाद करोगे ना फिर तुम्हारे पीछे पीछे ये भागेगी। अच्छा ये लो आजाद किया। ओ ग्रेनी आ रही है, जल्दी निकलते हैं, बच गया मैं। अभी से डर गए, अभी तो बहुत मजा आएगा ना, अब जैसे ही आगे जाओगे वो निकल रही है। अच्छा बचना है यार। मोटू मैंने चैलेंज तो ले लिया लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल है यार ये गेम। हाँ अब आया ना पता, अब वो ऊपर चली गई है और तुम्हें भी ऊपर जाना है, तो तुम ऊपर जाओगे कैसे? अरे यार ये तो हमें जाने ही नहीं देगी, अभी इसको एक तरह से ऊपर जाने दो, पूरी तरह इसको ऊपर जाने दो। अभी ये ऊपर, यार ये ऊपर क्यों नहीं जा रही? अरे ग्रेनी की बच्ची ऊपर चली जा, हमें मोटू का चैलेंज एक्सेप्ट। नहीं, इधर मत आना। ओह बाल बचे, इसको एक दफा ऊपर पूरी तरह जाने दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। हाँ मुझे पता है क्या करोगे, तो ऊपर जाओगे ना फिर मारे जाओगे। मोटू मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा साइड में। ये हुई ना बात, ये है हमारा आइडिया, देखो बच गए। जैसे वहां पे हमें ग्रैनी नहीं पकड़ सकती, ये वैसे ही यहाँ पे ग्रैनी नहीं पकड़ेगी। वाओ खलील यू आर सो स्मार्ट यार। मुझे पता है मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी तो हमें ऊपर जाना है। ऊपर कैसे जाऊंगा यार, यही प्रॉब्लम है। हाँ ऊपर जाके दिखाओ ना, जाके दिखाओ, खलील मार देगा। मार देगा नहीं, मार देगी, ग्रैनी फीमेल है। हाँ वही मार देगी। कैसे मारेगी, मैं तो यहाँ छुप गया हूँ। ओ वो देखो ग्रैनी आ रही है, खलील भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मोटू मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगा, मुझे पता जैसे निकलूंगा वो ग्रैनी हमें मार देगी, मुझे पता है। इसलिए अभी हमें सबसे पहले एक काम करना होगा, इससे पहले कि ग्रैनी आ जाए ना हमें किचन से ना चाबी उठानी पड़ेगी। ये किचन नहीं है, बाथरूम है। हाँ मुझे पता है, अभी यहाँ छुप जाते हैं, मुझे लगता है ग्रैनी आने वाली है। खलील ग्रैनी नहीं आएगी यार, वो आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ नहीं आएगी।
यार मोटू आ जाएगी, अगर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ बाहर जाओ बाहर जाओ। हाँ हाँ बाहर जाओ बाहर जाओ। वो नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी। मोटू मुझे खेलने दो, अभी वो नहीं आ रही ना। एक काम करते हैं जल्दी से ना, सबसे पहले तो दरवाजे को बंद करते हैं ताकि ग्रेनी आए तो हमें पता तो चले कि ग्रेनी आने वाली है। वाओ खलील यू आर सो स्मार्ट यार। हाँ बहुत स्मार्ट हूँ। अच्छा हाँ जी। अच्छा जी बिल्कुल जी। तुम नकल उतार रहे मेरे कॉपी उठा रहे हो। वो देखो ग्रेनी आ गई। खलील निकलो ना एक दफा निकलो प्लीज एक दफा निकलो प्लीज एक दफा निकलो ना। मोटू चुप हो जाओ, वो चली गई वापस। अभी हमें भी नीचे जाना है, वो भी चली गई है नीचे। बस बीच में ना नजर आए, बीच में नजर ना आए, बीच में नजर ना आए, बीच में नजर ना आए। ओ बच गया बच गया बच गया बच गया। देखा मोटू हमारा हाफ गेम तो क्लियर हो गया यहाँ पे और मैं अभी तक आउट भी नहीं हुआ। वाओ खलील लेकिन वो तो फंस गई। अब तुम अंदर कैसे जाओगे, वो तुम्हें मार देगी। फिर देखना तुम आउट होगे, अभी आउट होगे, देखना देखना आउट होगे। अच्छा मुझे कोई आइडिया निकालने दो। मैं जैसे ओ हो हो मोटू वो ऊपर चली गई, मैं बच गया मोटू। अभी वो ऊपर गई है तो जल्दी से चलते हैं, जल्दी 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 यहाँ पे रुक जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रैनी नहीं मारेगी हमें। वाओ खलील यार तुम हो। ग्रैनी आ रही है, ग्रैनी आ रही है। नहीं आएगी यहाँ पे, यहाँ पे हमें नहीं मारेगी। खलील तुम आउट कैसे नहीं हो रहे यार, इतना मुश्किल गेम तुम ऐसे कैसे क्लियर कर रहे हो। देखो मोटू प्रो गेमर के लिए ना जरूरी नहीं होता कि यार गेम क्लियर करना, उसके लिए जरूरी यही है कि वो अपने आइडिया से काम करे, प्लानिंग के साथ काम करे। और मैं प्लानिंग के साथ चल रहा हूँ तभी आउट नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा एक काम करो ना, एक काम करो थोड़ी देर किचन में रहो ना, फिर वो तुम्हें मारेगी देखना। अच्छा अच्छा किचन में रहते हैं लेकिन वो, अरे वो आ रही है, इधर आएगी इधर आएगी इधर आएगी। मोटू तुमने एक चैलेंज दिया था वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ना, अभी ये किचन वाली चैलेंज कहाँ से आ गया। मैंने तुम्हें किचन वाला भी कहा था थोड़ी देर किचन में रह के दिखाओ ना, अभी मैंने ये बोला था तुम्हें। मोटू के बच्चे कितने झूठे हो यार, तुमने किचन की बात कब की थी। मैंने की थी दोस्तों, इसको बताओ ना मैंने की थी, कमेंट्स करके बताओ मैंने स्टार्ट में कहा था। मोटू वो आ रहा है। वो आ नहीं रहा, वो आ रही है। हाँ मुझे पता है मुझे पता है। खलील डरपोक मैंने तुम्हें किचन में रहने को कहा था ना। अच्छा मैं रह रहा हूँ थोड़ी देर रह रहा हूँ किचन में, लेकिन वो आ जाएगी। ये देखो क्या लिखा, मोस्ट लाइकली दिस इज द लास्ट टाइम वी विल मीट अगेन, ओ माय गॉड। हां हां अभी किचन में रहो, वो आएगी देखना वो आएगी। खलील यहां पे मत रहो, थोड़ी साइड में रहो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, अब बहुत हो गया, मैं किचन में रह चुका हूं, अब मैं जा रहा हूं वापस। डरपो कहीं के कोई प्रोग्रामर नहीं है मुझे पता है। मोटू तुम्हारी सारी बातें मैं थोड़ी ना मानूंगा यार, ये तुमने किचन वाली बात कोई नहीं की थी, और वैसे भी मैं किचन में थोड़ी देर रहा हूं, थोड़ी देर मैंने किचन में टाइम पास किया है। अब ग्रैनी नहीं आई तो इसमें मेरा कसूर है क्या। अच्छा अच्छा अभी निकलो यहाँ से, बस गेम क्लियर हो गया है और तुम तीन दफा आउट हुए हो। मोटू के बच्चे कितने झूठे हो यार, मैं कब आउट हुआ हूँ यार, एक दफा भी आउट नहीं हुआ। अच्छा ना अच्छा ना मजाक कर रहा हूँ ना, क्यों डांट रहे हो, मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा एक काम करो यहाँ से वो उठाओ ना, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं टुम्बलर। हाँ हाँ वही वही वही, उसको उठाओ और निकलो यहाँ से, बस गेम क्लियर हो गया है ना। यार वो पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमें वो ढूंढना पड़ेगा, वो पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। फिर वो उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये देखो मिल गया, ये हुई ना बात, ये मिल गया, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अब देखते हैं निकलते हैं यहाँ से। वाओ खलील तुमने सच में करके दिखाया है, मुझे नहीं पता था तुम करके कर 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 सकते हो। क्या बोल रहे हो मोटू, क्या बोल रहे हो तुम। यार मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुमने करके दिखाया। तुम सच में प्रो हो यार खलील, तुम सच में प्रो, तुम तो पतलू से भी अच्छा खेलते हो। हाँ मैं तो प्रो हूँ यार, मुझे शर्म आ रही है, अब ऐसी ऐसी बातें ना करो ना, मुझे शर्म आ रही है। हैं खलील तुम्हें भी शर्म आती है, मुझे तो लगा रहा तुम बेशरम हो। मोटू गलत बात है, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा ना सॉरी ना, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा अच्छा तुम्हारा मजाक मजाक है ना, वो कभी मुझे मार ही देगा। बस गेम हो गया क्लियर, अब तो मोटू मानते हो ना मैं प्रो गेमर हूँ। कोई नहीं मानता, मैंने तुम्हें कहा था किचन में रह के दिखाओ, मैंने तुम्हें ये भी कहा था, और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि ग्रैनी का डंडा है वो छीन के भी दिखाओ, तुमने दोनों काम नहीं किए। मोटू कितने यार झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो तुम यार। दोस्तों कमेंट करके बताओ यार मोटू झूठा है, मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और चैलेंज कम्प्लीट भी किया फिर भी वो नहीं मान रहा। हाँ हाँ जाओ जाओ बढ़िया है प्रो नूबरे कहीं के।
अच्छा ठीक है, गेम ही एंड करते हैं यार। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और यार सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल आई एम खलील को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और दोस्तों यार माइनक्राफ्ट मैं इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि यार उसमें व्यूज ही नहीं आ रहा, मैं कैसे खेलूं यार तुम ही बताओ। जब तक व्यूज नहीं आते हमें खेलने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेल रहा। अगर तुम चाहते हो मैं माइनक्राफ्ट खेलूं तो यार पुराने वीडियोस को जाके देखो, वहां पे कमेंट्स करो, फिर मुझे लगेगा कि यार देखने वाले हैं तो ही मैं खेलूंगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय।